नमस्कार दोस्तों, मैं राम आपके अपने YouTube चैनल निफ्टी ट्रेडर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी था और फिन निफ्टी को हमने जो लेवल दिया था उसके ऊपर ही फिन निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं कि कहां पे हमने बात किया था डिटेल में। चलिए बात करते हैं कि कल के लिए डेटा क्या बना हुआ है और डेटा को कैसे स्टडी करना। डेटा थोड़ा सा लेट आ रहा है दोस्तों। तो अभी आप अगर 8 को देखें, यहाँ पे FII प्रोप क्लाइंट्स और DII यानी क्लाइंट्स FII प्रोप और DII के बीच में क्या पोजीशन बना हुआ है, इनका क्या पोजीशन वो कैरी करके जा रहे हैं मार्केट में, कल क्या रहने के चांसेस हैं, ये हम भी डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं फ्यूचर का डेटा देखता हूँ। यहाँ पे क्लाइंट्स ने थोड़ा सा लॉन्ग किया है 7500 क्वांटिटी, शॉर्ट भी 2800 क्वांटिटी किया। तो नेट बेसिस पे यहाँ पे आप देखें इनका, तो अभी 43 से ये 48000 यानी 5000 ज्यादा पोजिशन इन्होंने आज लॉन्ग क्रिएट किया है। देखिए 5000 यहाँ पे लगभग इस दोनों को माइनस करेंगे तो निकल के आएगा 5000 टाइप, 5000 ये लॉन्ग पोजिशन क्रिएट करके गए हैं। FII ने यहाँ पे लॉन्ग भी क्लोज किया, शॉर्ट भी क्लोज किया यहाँ पे, लेकिन शॉर्ट ज्यादा क्लोज किया है FII। तो दोस्तों FII अभी 18000 से मात्र 12000 रह गए हैं यहाँ पे, यानी इनकी आपको लगता है कि मार्केट और नीचे नहीं जाएगा, ये पोजिशन अपना क्लोज कर रहे हैं। प्रो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लॉन्ग क्लोज करके थोड़ा सा शॉर्ट इनिशिएट किए हैं प्रो, यानी 4700 कॉन्टेक्स्ट उन्होंने लॉन्ग क्लोज किया 6100। तो प्रो फ्यूचर में थोड़ा सा यहाँ पे जो फ्यूचर है वहाँ पे वो बेयरिश यहाँ पे नजर आ रहे हैं हमारे प्रो, जबकि FII धीरे धीरे अपना शॉर्ट पोजिशन क्लोज कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो DII आज उन्होंने कुछ नहीं किया, 20200 कॉन्टेक्ट इनके पास अभी भी शॉर्ट है। तो फ्यूचर की अगर डेटा की बात करें तो क्लाइंट्स जो अभी भी लॉन्ग पोजीशन करी करके जा रहे हैं, FII ने यहाँ पे शॉर्ट क्लोज किया, कोई आज फ्रेश पोजीशन उन्होंने नहीं बनाया। DII ने आज 6000 शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया फ्रेश, सॉरी प्रो ने। तो यहाँ पे लगभग फ्यूचर का डेटा स्लाइटली न्यूट्रल है, बहुत ज्यादा उसमें चेंजमेंट नहीं हुआ है। अब बात करते हैं ऑप्शन के डेटा का। तो आज एक्सपायरी था, आप यहाँ देखें फिन निफ्टी का 3,38,000 कॉल साइड हमारे क्लाइंट्स ने क्लोज किया, 2,58,000 आपको जो कॉल सेल भी क्लोज किया, तो कॉल बाई और यहाँ पे कॉल सेल दोनों क्लोज हुआ। कॉल बाई ज्यादा यहाँ पे उन्होंने क्लोज किया तो सेल की यहाँ पे पोजीशन बढ़ गई, यानी कॉल सेल की 80,000 पोजीशन यहाँ पे बढ़ गई, 1,27,000 था वो 2,07,000 पोजीशन इनका हो गया। यानी इनके पास अभी देखें तो 50,60,000 कॉल की बाइंग है और 52,67,000 कॉल की राइटिंग है। तो नेट बेसिस पे 2,07,000 यहाँ पे पोजीशन बना हुआ है राइटिंग का। सॉरी, पुट साइड इन्होंने क्या किया, 2,78,000 पुट की बाइंग क्लोज की, 1,90,000 पुट की राइटिंग भी क्लोज किया। तो नेट बेसिस पे यहाँ पे इनकी पुट बाइंग भी यहाँ ज्यादा उन्होंने क्लोज कर दिया, यानी पुट बाइंग जब क्लोज करेंगे तो पुट राइटिंग की पोजिशन यहाँ पे बढ़ गई। तो आप देखें यहाँ पे लगभग 4,28,000 से 5,03,000 इनके पास पुट राइटिंग हुई, तो दोनों साइड इनकी राइटिंग करके बैठे हैं, लेकिन पुट साइड ज्यादा इनकी राइटिंग है हमारे क्लाइंट्स की। FII ने आज क्या किया कि 37,000 कॉन्टेक्ट्स फ्रेश जो है कॉल की बाइंग की, 11,000 कॉल की राइटिंग भी की, तो नेट बेसिस 25,000 की कॉल की बाइंग हुई, मार्केट ऊपर रहा। कल भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो FII थे वो कल कॉल बाई करके गए थे तो मार्केट ऊपर ही रहने के चांसेस थे और मार्केट ऊपर रहा भी। तो एज यूजुअल FII थोड़ा सा यहाँ पे कॉल बाई करके गए हैं, मार्केट को ऊपर रखेंगे। और पुट साइड उनके पास जो 3,55,000 था, आज उन्होंने 80,000 पुट सेल और कर दिया फ्रेश 80,000। तो आज देखिए कि यहाँ पे लगभग 8,000 ही यहाँ पे पुट की बाइंग क्लोजिंग की, 80,000 उन्होंने पुट की राइटिंग क्लोज कर दी, तो नेट बेसिस पे 72,000 इनका ज्यादा यहाँ पे पुट की राइटिंग वो आपको जो क्लोजिंग हो गई, यानी पुट की राइटिंग ज्यादा उन्होंने क्लोज किया। तो 3,55,000 से 4,27,000 पुट की बाइंग यहाँ पे बढ़ गई, इनकी बाइंग बढ़ गई। तो अभी यहाँ पे ये फ्रेश बाइंग है दोस्तों, ये फ्रेश बाइंग है, यहाँ पे ये जो है पुट की राइटिंग क्लोज किया उन्होंने मार्केट ऊपर ले आके, मार्केट ऊपर गया तो ये आपको पुट की बाइंग क्लोज नहीं किया। तो नेट बेसिस पर सॉरी दोस्त, ये कोई फ्रेश इनकी जो है बाइंग पोजिशन नहीं है, आप इसको कंसिडर करिएगा, यहाँ पे इनकी फ्रेश बाइंग है, तो मार्केट अपसाइड रहने के चांसेस है यहाँ पे। प्रो ने क्या किया कि 1,90,000 कॉल की बाइंग, 2,45,000 कॉल की राइटिंग भी क्लोज किया, तो यहाँ पे 52,000 उन्होंने ज्यादा आज जो है वो राइटिंग क्लोज कर दी, 52,000 1,91,000 से 1,37,000 इनकी राइटिंग बच गई, लेकिन अभी भी इनके पास जो है वो पोजीशन बरकरार है। ये आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का एक्सपायरी का। और पुट साइड उन्होंने 2,05,000 पुट की बाइंग क्लोज की, 2,07,000 पुट की राइटिंग भी क्लोज की, तो पुट साइड जब लगभग इनका पोजीशन लगभग बराबर है, देखें 15,25,000 15,38,000 नेट बेसिस पे 13,000 इनके पास पोजीशन बना हुआ है। यानी डेटा यहाँ पे प्रो कहें कि ये बियरिस है इनका लगभग 1,37,000 की, यहाँ पे भी इनकी बाइंग अगर देखें तो नेट बेसिस पे पुट की बाइंग ज्यादा है,
तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस नहीं है अभी, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्यादा माल यहाँ पे ये बेच के रखे हैं पुट साइड हमारे जो है वो क्लाइंट्स। तो मार्केट में देखें बहुत ज्यादा मोमेंटम भी आज नहीं था, निफ्टी बेयरिश था यहाँ पे, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश था। तो इस डेटा के आधार पे अगर बात करें हम, तो यहाँ पे आपको पोजिशन जो बन के आ रहा है, हमारी क्लाइंट्स लगभग दोनों साइड राइटिंग करके बैठे हैं दोनों साइड, लेकिन पुट साइड इनकी ज्यादा राइटिंग है, तो ये मार्केट को ऊपर ले जाना चाहेंगे। एफआईआई ने कल थोड़ा सा बाइंग किया है, लेकिन नेट बेसिस में इनकी पुट की बाइंग ज्यादा है, तो ये कंसीडर करेंगे कि मार्केट नीचे आए। और एज यूजुअल हमारे प्रो भी यहाँ पे कॉल की राइटिंग करके गए हैं, पुट साइड इनके कुछ नहीं पोजिशन है, तो हो सकता है कि ये पुट की राइटिंग करें कल, करें ये हमारे लाइव मार्केट में पोजिशन बनेगा तो जरूर हम इसको डिस्कस करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो दोस्तों ये सब कुछ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप अगर देखें तो आज हमने मैसेज किया कि बड़े प्लेयर का डेटा कल अपोजिट था, यानी हमारे एफआईआई थे वो क्या है कॉल की बाइंग करके गए थे, और हमारे प्रोब थे वो क्या थे पुट की राइटिंग करके गए थे, सॉरी मान माफ करिएगा कॉल की राइटिंग करके गए थे। तो ये पोजिशन इनका दोनों क्या था अलग था, इसलिए मार्केट एक रेंज बाउंड रहा हमारा निफ्टी यहाँ पे। लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे बुरी समय दिखाई दिया, बैंक निफ्टी बुलिश था स्लाइटली यहाँ पे, और निफ्टी आपको होल्ड नहीं कर रहा था, निफ्टी बेयरिश था, ये सब कुछ यहाँ पे देखिए लाइव मार्केट में हम सब कुछ डेटा के साथ बताते हैं। फिर निफ्टी का शॉर्ट कवरिंग पॉइंट 20-200 था, कोशिश भी किया लगभग 20-120 तक गया यहाँ पे, लेकिन वो टिक नहीं पाया ड्यू टू निफ्टी। तो यहाँ पे सब कुछ लाइव मार्केट में डिस्कस किया जाता है। डेटा कल के लिए बहुत ज्यादा बुलिश और बहुत ज्यादा बेयरिश नहीं है, न्यूट्रल है। अब इसको हम अगर ऑप्शन चेन की बात करें, तो ऑप्शन चेन में कहां पे कंसीडर किया गया है बड़े प्लेयर द्वारा पोजीशन कहां पे बनाया गया है, अभी 19,570 के पास क्लोजिंग दिया है यहां पे, 19,550 के पास देखें तो 19,600 पे ये 1 लाख पोजीशन यहां पे जबरदस्त बनाया गया है। यहां पे भी 82,000 यानी कॉल साइड 5,73,000, पुट साइड बिल्कुल पोजीशन नहीं बना हुआ है, और बड़े प्लेयर ने जबरदस्त यहां पे कॉल की राइटिंग करके मार्जिन भी यहां पे देखिए कॉल साइड लिया गया है। तो ये मार्जिन वाला रूल परफेक्ट काम करता है, यानी बड़ा प्लेयर कहीं अप साइड कॉल साइड में बाइंग किया है और उसको नजदीक में राइटिंग किया गया है यानी एटीएम के पास। तो ओवरऑल अगर डेटा की बात करें यहाँ पे, तो राइटिंग जो हमारा हमें दिख रहा है 20,500 और 20,000 के पास हुआ है, जिससे कि हमें डेटा यहाँ पे स्लाइटली बियरिश लग रहा है। पुट साइड यहाँ पे कोई 19,650 के ऊपर पोजिशन नहीं बन रहा है, यानी आपको मैक्सिमम पोजिशन 19,600 जा सकता है आज मार्केट जो कल के लिए कंसीडर करेंगे, ये 600 तक जा सकता है, 600 के ऊपर यहाँ पे जबरदस्त राइटिंग हुआ है। यानी आपको कहें कि निफ्टी का डाटा यहाँ पे बियरिश है दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी जो है स्ट्रॉन्ग बियरिश लग रहा है डेटा के आधार पे। अब यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी की को देखें तो बैंक निफ्टी 44,964 के पास क्लोजिंग दिया है 45,000 पे, यहाँ पे देखें 1,39,000 कॉन्टेक्ट क्रिएट हुआ है, यानी फ्रेश यहाँ पे किसी ने राइटिंग किया गया। तो अभी 45,000 पे यहाँ 3,94,000 पोजीशन बना हुआ है, यहाँ 2,64,000 ज्यादा कॉल साइड थोड़ी पोजीशन है, और मार्जिन भी यहाँ पे कॉल में लिया जा रहा है, ये मार्जिन कॉल में लिया जा रहा है। 45,100 के ऊपर कोई पोजीशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो मैक्सिमम 45,050 तक जा सकता है, इसके ऊपर कोई मार्केट नहीं जा सकता है अभी के डेटा के सिनेरियो में, क्योंकि ये इसके ऊपर नहीं जानेंगे जब तक ये पोजीशन अपना क्लोज नहीं करेंगे तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, यानी आपको नीचे भी नहीं जाएगा कि यहाँ पे ये पोजीशन सारे क्लोज हैं, इन द मनी कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बन रहा है, जबकि यहाँ पे स्लाइटली इन द मनी पोजीशन बना हुआ है। तो ओवरऑल डेटा यहाँ पे न्यूट्रल ही है, कॉल साइड देखें यहाँ पे पोजीशन बजर बना है, पुट साइड थोड़ा ज्यादा बना है, तो मैक्सिमम यहाँ पे बैंक निफ्टी भी नीचे कंसिडर किया जा सकता है, मैक्सिमम 45,100 पे जा सकता है। फिर निफ्टी दोस्तों, फिर निफ्टी का जो शॉर्ट कवरिंग पॉइंट वो हमारा 20,100 के पास आ गया था लास्ट में, तो इसको ये कंसीडर किया, इसी के आसपास क्लोजिंग दिया, और ये एक्सपायरी में देखें कि फिर निफ्टी जो है वो शॉर्ट कवरिंग पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे वर्क किया, लेकिन निफ्टी बेयरिश था इसलिए बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। तो अगर नेक्स्ट एक्सपायरी हम 14 का जो होना है उसको अगर कंसीडर करें यहाँ पे डेटा, तो अभी 20,100 के पास जो है कोई बहुत ज्यादा पोजिशन नहीं बनाया ऊपर में भी, तो ये बहुत ऑप्शन चेन कोई हमें रिलीवेंट नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, यानी कोई डेटा यहाँ पे बेसिक्स से अच्छा नहीं बना हुआ है। अब यहाँ पे FIA देखें दोस्तों, तो FIA ने कॉल कैश में भी इन्होंने सेल किया लगभग 711 करोड़ का, DI ने थोड़ा सा बाई किया है, कैश का डेटा यहाँ पे थोड़ा सा FIA के बेरी से, तो ओवरऑल डेटा न्यूट्रल है, मार्केट कल हो सकता है कि रेंज बाउंड रहे। बाकी लाइव मार्केट में मैं आपको जरूर अपडेट करता रहूंगा कि डेटा क्या बना हुआ है।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। ये सब कुछ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करते हैं, और आप फुल्ली अगर ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर चाहते हैं तो एक बार जरूर कंसिडर करिए हमारे साथ। नेक्स्ट जो हमारा बैच है वो आपको 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, 18 अगस्त से फुल्ली एडवांस आपको स्किनर यहाँ पे एडवांस जीरो टू एडवांस बताया जाता है, कैसे डेटा फेच करते हैं, बड़े प्लेयर का लाइव में कैसे पोजिशन पता कर सकते हैं कि वहां पे बिग प्लेयर है या फिर क्लाइंट है, कौन राइटिंग कर रहा है, बाइंग कर रहा है, तो ये हमारे यहाँ पे बताया जाता है एक सीक्रेट स्ट्रेटजी के द्वारा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए। दोस्तों एक डिस्क्लेमर है कि वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के बनाया गया है, इसके आधार पर बाय सेल या होल्ड का ऑप्शन क्रिएट ना कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।